कढ़ी पकौड़ा, उसके लिए हमें चाहिए दही। ये तकरीबन आधा किलो दही है, इसे हमने घर में ही जमाया है और इसे हमने खट्टा कर लिया। दही खट्टी होनी चाहिए। अगर आपके पास खट्टी दही नहीं है, फ्रेश दही है, तो आप एक नींबू या हाफ नींबू यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से फेंट लेंगे, दही को एकदम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, बिल्कुल भी इसमें लंग्स ना रहे। देख सकते हैं मैं किस तरीके से फेंट रही हूँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये हमारा दही मिक्स हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं। और इसमें इसके बाद हमें चाहिए ये बेसन। हमने ये 5 चम्मच बेसन लिए हैं छोटे चम्मच से, और ये लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच है, और ये हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच है, और ये स्वाद अनुसार नमक। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ये पतीला लिया है, गोल शेप में है, आप देख सकते हैं ये मैंने ले लिया। अब इसके अंदर हमें दही ऐड कर देंगे अच्छी तरह मिक्स करके। मैंने दही फेंट लिया, ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया। अब हम बेसन को फेंट लेंगे, उसके बाद इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको कितनी अच्छी तरीके से फेंट लिया है। इसमें मैंने बेसन को फेंट लिया, इसमें बिल्कुल भी गांठे नहीं हैं, लंग्स नहीं हैं, आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये हमारा लाल मिर्च पाउडर, वह इसके अंदर ऐड कर देंगे, हमारा हल्दी पाउडर वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, स्वाद अनुसार नमक, इन सबको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सारे मसाले डाल के इसके अंदर बेसन के अंदर हमने मिक्स कर लिया है। अब ये हमारा दही है और ये हमारा बेसन है, हम दही में ऐड कर देंगे इस तरह से। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, पानी तो बहुत सारा इसके अंदर चाहिए, कम से कम 1 लीटर, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से हिलाते हुए इसके अंदर हमें सारा पानी ऐड कर देंगे, आप देख चुके हैं। तो ये हमारा कढ़ी का पानी, हम देख सकते हैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लें 2 मिनट तक। पानी और ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम पकने के लिए डाल देंगे। कढ़ी पकाने में हाथ बहुत दखेंगे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इसे कंटिन्यू 1 उबाल आने तक पकाएंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से। चलिए इसे पका लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने गैस ऑन करके पकने के लिए रख दिया है। इसमें जब तक 1 उबाल नहीं आएगा तब तक हम इसे चलाएंगे, आने तक तो हम चलाते रहेंगे। हाई फ्लेम पर 1 उबाल ले लेंगे और इसे चलाते रहेंगे। इस तरीके से पकाने से बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इसके जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा 1 उबाल आ चुका है कढ़ी के अंदर, आप देख सकते हैं हमारा 1 उबाल आ चुका है। अब हम गैस को मीडियम करेंगे, हम मीडियम आँच पर पकाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, और ना ये जल्दी जल्दी पक के गाढ़ा हो जाएगा, मज़ेदार नहीं बनेगा, इसलिए मीडियम आँच पे ही पकाएंगे। और इसमें जितना भी वक्त लगेगा उसे मीडियम आँच में ही पकाएंगे, और जब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। फ्लेम मीडियम फ्लेम कर देते हैं। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये उबल के नीचे भी गिर सकता है, और आपको इसे कंटिन्यू चलाते रहना इस तरीके से जब तक हमारा कढ़ी पक रहा है, जब तक हम पकौड़े का सामान तैयार कर लेते हैं। ये मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, धनिया पत्ता
और 4 से 5 हरी मिर्च ले लिए। हमें तीखा ज़्यादा पसंद है इसलिए हमने ज़्यादा हरी मिर्च लिए। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। या 1/2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये स्वाद अनुसार नमक और ये हमारा हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने बाउल ले लिया है, इसके अंदर डाल देंगे ये सारे प्याज कटे हुए, बारीक चॉप कटे हुए प्याज। और ये सारा हरी मिर्च और ये धनिया पत्ता, थोड़े से धनिया पत्ता बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब ये देख सकते हैं ये सारा हमने ऐड कर दिया। अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये हमने सारे मसाले डाल दिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये लाल मिर्च पाउडर। ये हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। अभी मैंने बेसन ऐड कर दिया, 1 कटोरी मैंने बेसन लिया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब हम इसे करेंगे मिक्स, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारा पैटर्न बेसन पकौड़ा बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। हमें इसी तरीके के कंसिस्टेंसी चाहिए, इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए और ना ही इसे ज़्यादा पतला चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाएं। हमारा पकौड़ा अंदर से एकदम सॉफ्ट बने और फूला फूला बने, इसके लिए हम थोड़ा सा, आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा मैंने कुकिंग सोडा लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि हमारा बेसन अच्छे से फूल जाए। अब हम चलते हैं हम अपने कढ़ी की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे धीमी आंच पे पका रही हूँ। हमारा कढ़ी गाढ़ा हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसे अभी और ठीक करेंगे जिसमें और टाइम लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारा कढ़ी गाढ़ा हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से गाढ़ापन आ रहा है। हमें इसे और पकाना है, हमें और गाढ़ा चाहिए। ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं कि हमारा कढ़ी पक के बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए हमें इसी तरीके की चाहिए थी थिकनेस। अब हम इसे उतार लेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हमें इसी तरह का चाहिए। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम चलिए अब हम सब पकौड़ी बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ये तेल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम धीरे धीरे करके पकौड़ी डालेंगे। इस तरीके से आपके कढ़ाई में जितना जगह हो आप उतना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं इस पकौड़ी को तेल में डालते ही वो ऊपर आ जा रहा है, इसका मतलब हमारा बेसन बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरीके से आप बनाएं। पकौड़ा डालते ही वो ऊपर आ गया, इसका मतलब कि हमारा बेसन बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, परफेक्ट घुला है। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसको तेल में डाल दिया है। इसे पलट लेंगे
ये हमारे पकोड़े इतने सॉफ्ट बने हैं कि ये मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। कई बार होता है क्या कि लोग बनाते हैं तो उनके पकोड़े बहुत ही टाइट टाइट रहता है। टाइट टाइट रहने का ये कारण है कि उनका जो बेसन का घोल होता है वो टाइट होगा। आप बेसन का घोल नरम रखें, सॉफ्ट रखें, तो आपका पकौड़ी भी सॉफ्ट बनेगा। इसी तरीके से आप इसे पलट पलट के अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें, फ्राई कर लेते हैं। अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारा पकौड़ा रेडी हो रहा है। अब ये हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। यह हमारा कढ़ी कितना ठीक हो चुका है और ये हमने पकौड़ी बनाए हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये जीरा और ये काला सरसों और ये साबुत लाल मिर्च, अगर आपके पास करी पत्ता है तो आप वो डाल दें, अगर नहीं है तो स्किप कर लें। चलिए इसे तड़का लगाते हैं। आप ये देख सकते हैं मैंने कढ़ाई लिया है और इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है रिफाइन ऑयल। अब इसमें हम ये सारा मसाले डाल देंगे। इस तरीके से 2 मिनट इसे सोटे कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा तड़का हो चुका है, अब हम इसे बंद कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसे मैंने सॉफ्ट कर लिया, बाउल में पलट लिया और ये हमारा तड़का ऊपर से हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये सारे तड़का इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। आप ये देख सकते हैं हमारा कढ़ी तैयार है। तो आप ये देख सकते हैं हमारा कढ़ी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना बढ़िया आया है। चलिए अब मैं इसे आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से हमारे पकोड़े कितने सॉफ्ट बने हैं। ये मैंने पकोड़े ले लिए, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल आसानी से टूट रहे हैं। ये बिल्कुल भी टाइट नहीं है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बने पकोड़े हमारे। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट पकोड़े बने हैं। इसी तरीके से आप बनाएं और खाएं। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।